नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सेलरोडेंड्रॉन इनफॉर्टुनेटम इस मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि पेट के लिए और लीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो चलिए इस मेडिसिन के बारे में सब कुछ जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है, कैसे आप इसे यूज़ करें और किस बीमारी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेलरोडेंड्रॉन इनफॉर्टुनेटम ये एक रेयर मेडिसिन है, लेकिन इजीली अवेलेबल है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। अगर सिम्टम्स मिलते हों और आपको इस तरह की परेशानी हो, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसे हम आयुर्वेद में या आम भाषा में भात भी बोलते हैं। ये लीवर एब्सेस, मतलब अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो, एब्सेस हो गया हो, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लूज मोशंस, डायरिया और पेट दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है आयुर्वेदा में, लीवर इन्फेक्शन के लिए, लूज मोशंस के लिए, डैंड्रफ के लिए, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, और अगर आपको उल्टी आ रही हो उसके लिए, और पेट में कीड़े हों उसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पेट के ही लक्षण इसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं और ये पेट की ही मेडिसिन है। तो अगर किसी को लूज मोशंस हो, डायरिया की प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ पेट में दर्द हो और उल्टी हो, ये लक्षण है इसका। उल्टी, दर्द पेट में और डायरिया, लूज मोशंस, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस, पानी जैसा मोशन हो, बिल्कुल आपका स्टूल, आपका मल बिल्कुल पानी जैसा हो और पीला निकल रहा हो, तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। पेट में कीड़े हों, खासकर बच्चों के पेट में कीड़े हों और कीड़ों के कारण लूज मोशंस हो रहे हों, कीड़ों के कारण जो है वो पेट जो है वो हमेशा दर्द कर रहा हो, कीड़ों के कारण उल्टियाँ सी लग रही हो, कीड़ों के कारण भूख ना लग रही हो और कीड़ों के कारण ही बच्चा पतला हो, अगर किसी को लीवर में इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम होती है, या लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण लीवर में मावाद आ जाती है, लीवर एब्सेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। और इसी के कारण अगर आपको बुखार आए या मलेरिया में आपके लीवर में सूजन आ जाए और मलेरिया की बुखार हो, तो बुखार अगर लीवर इन्फेक्शन, लीवर एब्सेस के कारण हो, तो यह मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो यही इसके लक्षण भी हैं और इन्हीं बीमारियों में आपको यह मेडिसिन यूज़ करनी भी है। तो सीधा मैं अब चलता हूँ, ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, सीधा चलता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों को समस्या है पेट में कीड़े की और पेट में कीड़े के कारण उसे बार बार लूज मोशंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, साथ ही साथ अगर उसको हमेशा वॉमिटिंग सी फीलिंग होती है और खाना अच्छा नहीं लगता, सेलरोडेंड्रॉन मदर टिंचर का उपयोग करें। यहाँ पर पिक्चर आपको दिख ही रही है, सेलरोडेंड्रॉन मदर टिंचर लगभग 10 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह और शाम को दीजिए। खाना खाने के बाद दीजिएगा, लगभग 15 मिनट बाद, या खाना खाने के पहले 15 मिनट पहले दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा अंतर जरूर दीजिएगा खाने के साथ, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यह मेडिसिन लगभग 15 दिन आपको देना है, आराम लगे तो इसे 2 महीने तक कंटिन्यू करना है। मोस्टली आराम लग ही जाता है और पेट के कीड़े धीरे धीरे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इस मेडिसिन के कारण। तो 2 महीने में समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, उल्टी आना, लूज मोशंस होना और साथ ही साथ कीड़े, सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। अब चलते हैं, अगर किसी को बड़े को लूज मोशंस हो रहा है, बड़े को उल्टियां आ रही हैं, ये लक्षण हैं, तो कैसे इस मेडिसिन का उपयोग करें। 10 बूंद आधे कप पानी में पिएं और हर 3-3 घंटे में इसे रिपीट करें। साथ में अगर लूज मोशंस हो तो आप कुर्ची मदर टिंचर, जिसकी पिक्चर आपको दिखी रही है, कुर्ची मदर टिंचर भी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार उपयोग करें। अगर उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हो तो साथ में इपिकॉक 30 2 बूंद दिन में 3 बार लें। तो ये 3 मेडिसिन अगर आप लेंगे तो लूज मोशंस, उल्टियाँ, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं, अगर किसी को बुखार है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, लीवर एब्सेस की प्रॉब्लम है, तब आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे आप लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में
आधे कप पानी में 15 बूंद डालिए और 3 बार सुबह एक बार पीजिए, फिर आधे कप पानी में 15 बूंद डालिए, फिर पीजिए दोपहर में और फिर आधे कप पानी में 15 बूंद डालिए, फिर पीजिए रात में। इसे आप दिन में 3-4 बार यूज़ करें, धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, हेपेटाइटिस की भी समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ अगर बुखार हो तो ये यूपिटोरियम पर्फ 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप पी भी सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, प्राचीन काल से आयुर्वेद में यूज़ की जा रही है। होम्योपैथी में इतनी नोन मेडिसिन नहीं है, लेकिन हाँ होम्योपैथी में यूज़ की जाती है और मैं अपने क्लिनिक में काफ़ी दिनों से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। खासकर हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट को ये मैं देता हूँ और बच्चों को जिनको चुनने की समस्या है, जिनको वॉर्म्स की समस्या है, उनको भी ये मेडिसिन देता हूँ और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। तो आप भी ये मेडिसिन यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ही सस्ती, बहुत ही इफेक्टिव है। अप्रॉक्स 100-150 रुपये की आपको 30 ml मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। ज़रूर यूज़ करके देखिएगा अगर लक्षण मिलते हो तो। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह प्राचीन मेडिसिन आपको अच्छे से समझ में आ गई हो और अब समझ में आ गया हो कि कब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए, लगभग 22 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो उसमें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम हर दिन लगभग एक वीडियो लाते हैं, साथ में आपके लिए लाइव क्लिनिक भी लाते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपके आंसर मैं खुद देता हूँ हर दिन लगभग 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज आप मैसेज सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं kirtivikramsinghparihar@gmail.com पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।